नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। एनडीए में इन दिनों जिस तरीके से जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के बीच जिस तरीके से विवाद चल रहा है, उन सब के बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय निषाद ने एक बड़ी मांग अपने शीर्ष नेतृत्व से कर दी है। मांग चिराग पासवान को लेकर किया है। साफ तौर पर उन्होंने आग्रह किया है कि तमाम चीज़ों को भूलकर भारतीय जनता पार्टी आलाकमान जो है वो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को एनडीए में शामिल करें। साथ ही साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की परवाह किए बगैर चिराग पासवान को अपनी पार्टी के साथ यानी गठबंधन में लाइए। ऐसे में चिराग पासवान अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, जैसा कि पहले था विधानसभा चुनाव तक जो है वो स्थिति विपरीत हो गई थी और आज एनडीए से बाहर है, अगर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो जाती है, एनडीए में आ जाते हैं, तो बिहार ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो है को मजबूती मिलेगी। तो एक बड़ी मांग अजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने आलाकमान से कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने एक तर्क भी दिया है और साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार के बारे में नहीं सोचिए। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को अपने पास लाया, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा 2020 का चुनाव नीतीश कुमार के खिलाफ लड़े और कई एक के बाद एक कई हमले जो है वो नीतीश कुमार पर किया करते थे, लेकिन सब चीजों को भूलकर नीतीश कुमार अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ थे लेकर आए ना। ठीक इसी प्रकार जब उपेंद्र कुशवाहा जा सकते हैं तो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ या एनडीए में क्यों नहीं आ सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को छोड़िए, आलाकमान से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि चिराग पासवान को अपने साथ लाइए। ऐसे में आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, बिहार में बात की जाए तो MLC का चुनाव है, तो मजबूती मिलेगी। चूंकि उन्होंने यह भी कहा एक इंटरव्यू में कि जब पार्टी टूटी थी, लोजपा जब टूटा, चाचा के पास चले गए और फिर चिराग पासवान के पास जब दो भागों में बटा, तो पूरा दलित समाज जो रामविलास पासवान का वोटर था वो चिराग पासवान के साथ दिखा। जब जन आशीर्वाद यात्रा, जब चिराग पासवान ने जब आशीर्वाद यात्रा निकाला तो एक बड़ा जनसैलाब देखने को मिला उनके साथ। ऐसे में यह प्रूफ हो गया कि जो दलित समाज है, जो वाकई में लोजपा का जो भी वोटर थे, वो आज भी चिराग पासवान के साथ है पार्टी टूट जाने के बावजूद भी। तो ऐसे में अगर चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं, एनडीए में आ जाते हैं, तो बिहार समेत पूरे देश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और दलित वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ रहेगी। तो एक बड़ी मांग जो है एक इंटरव्यू में अजय निषाद ने कर दी। हिंदी नो अजय निषाद लगातार मुकेश सहनी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसको इतना ही, देख रहे हैं रिलायंस बिहार। नमस्कार।